जिले के घरघोड़ा पुलिस ने कोल ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में प्रतिस्पर्धा को लेकर कुड़मेला में चाकूबाजी की घटना में कार्रवाई करते हुए छाल क्षेत्र के आदतन बदमाश रियासा तले और बाबू नेपाली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के टिमरगला गांव के पास पानी से भरे खदान में कार गिरने से सरपंच समेत चार लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 15 साल की लड़की तैरकर बाहर निकल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रायगढ़ रोड निर्माण कार्य में रोलर को बैक होते देख बाइक रोकना दो युवक को उस समय महंगा पड़ गया जब बेकाबू ट्रक ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई तो उसके साथी घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर की रतनपुर थाना पुलिस ने PCL बीमा कंपनी में पैसे दुगना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले पंजाब के पटियाला के डायरेक्टर जोगेंद्र टाइगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कंपनी में लोगों से पैसे लगवाकर दर्जन लोगों के करीब 4 करोड़ रुपए हड़प लिए गए थे। आरोपी डायरेक्टर कवर्धा जेल में बंद था। इसे जमानत मिलते ही बिलासपुर पुलिस ने दबोच लिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में दूध के पैसे देने को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मां की आई गर्भवती महिला को भी डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसका 5 महीने का गर्भ गिर गया। गर्भवती बेटी अपने पिता को मार खाता देख वो उन्हें बचाने गई थी। आरोपियों ने गर्भवती को भी नहीं छोड़ा और उसके पेट पर डंडे से वार कर दिया। गर्भ गिरने के बाद भ्रूण को लेकर पीड़िता अपने परिवार के साथ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। रायपुर नगर निगम के घेराव के दौरान BJP कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों से मारपीट के आरोप में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने महिला आरक्षक की रिपोर्ट पर 60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया है। भाजपा ने राजधानी के सभी 70 वार्ड में विकास कार्य ठप और साफ सफाई नहीं होने के मुद्दे पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया था। बलौदाबाजार भाटापारा जिले की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लगभग 27 लाख रुपए के 201 मोबाइल को रिकवर किया है। पुलिस टीम द्वारा जांजगीर चांपा बिलासपुर कोरबा महासमुंद रायपुर बेमेतरा आदि जिलों सहित दूसरे राज्यों से मोबाइल को रिकवर किया गया है। गुम मोबाइल के मिलने की आस छोड़ बैठे लोगों ने मोबाइल वापस मिलने पर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बिलासपुर में मस्तूरी थाना अंतर्गत मलहार चौकी क्षेत्र के ग्राम धनगवा के आश्रित ग्राम भगवान पाली में घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला की पेट में लाश मिली है। मस्तूरी एवं मलहार पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। रायपुर के डीजी नगर थाना क्षेत्र में रिंग रोड नंबर 1 में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। पहिए के नीचे आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल पहुंचाया और चालक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। सुकमा जिले के भेज्जी थाना में आश्रम भवन में काम में लगे हुए ठेकेदार के मुंशी और JCB ऑपरेटर को बंधक बनाकर नक्सलियों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसके बाद बौखलाए नक्सलियों ने निर्माण स्थल के पास पहुंचकर JCB के डीजल टैंक में आग लगाकर फरार हो गए। सरगुजा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केवरा में रहने वाले नंदलाल चौधरी के पुत्र संतोष चौधरी की घर पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। जांच के दौरान मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई। महिला ने बताया कि उसकी बेटी ने संतोष और उसके पिता भाई व बहन के द्वारा गला पकड़कर मारपीट करते हुए देखा गया था। मामले की जांच कर पुलिस ने मृतक के पिता नंदलाल, भाई मनोज व बहन को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के कटाई गई नार में रविवार को 25 दिसंबर की रात युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में बाकी मोगरा पुलिस पर गंभीर अपराध होने के बाद भी मामूली कार्रवाई करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। घटना में पीड़ित हेलन कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता लेकर अपनी बात। रायगढ़ में जुटमिल थाना क्षेत्र के गढ़ उमरिया सवापारा में रहने वाले लेखराम साहु पुलिस चौकी जुटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोहल्ले के प्रकाश साहू और उसके बेटे लिंगेश साहू उर्फ रिंकू तथा पुष्पक साहू उर्फ पिंटू मिलकर
28 दिसंबर की रात पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा लेकर घर में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट की। प्राइमरी स्कूल में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी प्रधान पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 दिसंबर को थाना अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के प्रार्थी ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ प्रधान पाठक कॉपी चेक करने के बहाने बालिकाओं को बुरी नियत रखते हैं। जांजगीर जिले के बलोद थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर बिरगहनी में रहने वाले दो परिवार के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के 21 लोगों के खिलाफ बलवा कायम कर मामले में चार सगी बहनों को बलवा और टोनी प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य लोग फरार हैं। पारस पत्थर के लालच में मुनंद के बेगा बाबूलाल यादव का अपहरण कर हत्या करने के मामले में जांजगीर थाना पुलिस ने फरार आरोपी विषम डहरिया को 5.5 माह बाद उसके घर से गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के भरनी में शुक्रवार की रात तेज रफ्तार कार का टायर फट गया, जिससे अनियंत्रित कार सड़क से उतरकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवती और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जगदलपुर की बोधघाट थाना पुलिस ने जगदलपुर शहर में पुलिस में नस्ली दवाओं की तस्करी करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से करीब 2000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि तस्कर शहर में युवाओं को नशीली दवा बेचने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे दबोच लिया। जगदलपुर में नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों तस्कर शहर में युवाओं को दवा बेचने के लिए निकले थे। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। के पास से करीब 4000 नग नशीली टैबलेट बरामद की गई है। शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के मामले पर शहर के संजीवनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर शिखर गुप्ता के खिलाफ IPS की धारा 376(2)(n) के तहत बालोद थाने में अपराध दर्ज हो गया है। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।